हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रचार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने वहाँ कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर क्या किया था, डिस्कस किया था, और वहाँ मैंने गेट को भी विभाजन किया था, कितने प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं पर हम लोग क्या किसी एक या दो पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किस पे? गेट पर। यदि एक बार और नज़र डाला जाए किस पे? गेट पर, तो उसको मैंने पांच प्रकार बताया था। क्या? एक और गेट था, दूसरा नॉट गेट था, तीसरा क्या था, एंड गेट था, और चौथा था क्या, नंद गेट था, और पांचवा क्या था, मेरा नार गेट था। इसमें से आज हम आर गेट पर क्या करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे, बुलियन व्यंजक क्या होते हैं, ये सब हम लोग पूर्णता समझेंगे। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, देखते हैं आर गेट क्या होता है। तो यदि देखा जाए मित्रों, आर गेट क्या, आर गेट, तो आर गेट को हम बहुत मुख्य रूप से समझाएंगे। क्या? पहले इसका चित्र बनाते हैं। क्या चित्र? ये चित्रों पर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे पूर्णतः। ये क्या है, मेरा आर गेट है। क्या इसमें क्या होता है मित्रों? ये हमारा इनपुट होता है। क्या? इनपुट। ये जो होता है आउटपुट होता है। क्या? आउटपुट। अगर इनपुट को हम देखा जाए तो इसको निवेशी कहते हैं। क्या? निवेशी। कहीं कहीं हम निवेश भी पढ़ते हैं या निवेशी धारा भी पढ़ते हैं, जो भी आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ सकते हैं, किसी निवेशी या निवेशी धारा। तो इसको क्या, इसको निर्गत धारा बोलते हैं। क्या? निर्गत। क्या निर्गत? निर्गत मतलब जो बाहर निकले, निवेशी मतलब जो अंदर जाए। तो इसमें बात ये है मित्रों, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ सकता है ये कि आप ये बताइए बुलियन, क्या बुलियन रिलेशन, क्या बुलियन रिलेशन किसे कहते हैं, पूछेगा बुलियन रिलेशन किसे कहते हैं। और इसी में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, बुलियन व्यंजक या बुलियन व्यंजक का सूत्र। अगर ये कहेगा मित्रों, क्या बुलियन रिलेशनशिप किसे कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि इनपुट, क्या इनपुट तथा आउटपुट, क्या इनपुट तथा आउटपुट के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, बुलियन रिलेशन कहते हैं। क्या? बुलियन रिलेशनशिप कहते हैं। तो यानी कि जब आपसे ऑब्जेक्टिव में या आपसे एक नंबरी में इंटरव्यू पूछ सकता है कि बुलियन रिलेशन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या, इनपुट तथा आउटपुट की एक रिलेशन को ही क्या कहते हैं, बुलियन रिलेशन कहते हैं। और यदि आपको बुलियन व्यंजक या बुलियन व्यंजक का सूत्र पूछे, तो ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो इसके आगे हम लोग क्या चार पांच पॉइंटों का पर विशेष फोकस करेंगे। तो जो नियम बता रहा हूँ मित्रों, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। इसलिए ये जो पूछता है आपको पाँच नंबर या छः नंबर में, चार नंबर में, तीन नंबर पूछेगा। यदि देखा जाए दो नंबर में किस प्रकार पूछेगा, तो आपसे इस प्रकार पूछेगा कि आर गेट, क्या आर गेट का बुलियन व्यंजक तथा इसका क्या चित्रित कीजिए, यानी कि चित्र बनाइए। ये दो नंबर पूछे। अगर तीन नंबर पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा क्या, आर गेट का चित्र, आर गेट का बुलियन व्यंजक, और आर गेट का क्या
ट्रुथ टेबल क्या करिए, बनाइए। ये 3 नंबर या 4 नंबर पूछेगा। अगर 6 नंबर पूछेगा तो आपको ये करना पड़ेगा, क्या 6 नंबर में पूछेगा, ये जो तीनों प्रोसेस मैंने बताया, चारों प्रोसेस ये तो पूछेगा ही, लेकिन इसमें कार्यविधि पूछ लेगा। तो कार्यविधि जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये बहुत थोड़ा सस्पेंस हो जाते हैं, किस प्रकार लिखा जाए, आउटपुट इनपुट निर्गत कोण, डायोड क्या है, पी डैश एन डैश डायोड क्या है, ये सब हम संधि डायोड सब पढ़ाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन इससे जो एग्जैक्ट प्रश्न बनेंगे, आप इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग फोकस करते हैं किस में, ये आर गेट पर। आर गेट का 4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितने, 4 बात। जैसे कि यदि आपको देखा जाए क्या, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रुथ टेबल, क्या ट्रुथ टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सत्ता सारणी, क्या सत्ता सारणी। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे सत्ता सारणी और इसको पूर्णतः समझेंगे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। लेकिन बात ये है, यहाँ आपको 4 पॉइंटों का अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए 4 पॉइंट का हम क्या करेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे। और यदि समझा जाए मित्रों, तो यहाँ ये बात होगी क्या, ए, क्या ए, तो इसमें जब ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको चित्र भी बनाना पड़े, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल नहीं है, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल नहीं है। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो इस पॉइंट के साथ साथ आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। तो यदि देखा जाए मित्रों, तो देखिए ये नॉर्मली रूप समझा दिया जा रहा है, ये ए है, ये क्या है बी। जब सिग्नल नहीं रहेगा तो हमेशा क्या कार्य करेगा, जीरो कार्य करेगा, क्या जीरो कार्य करेगा। अगर सिग्नल है तो क्या कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। तो इसमें बताया जा रहा ना ए पर सिग्नल है ना बी पर, तो ये जब इनपुट से आउटपुट पे जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेरा 0 ही प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर। तो ये एग्जैक्ट आपको नंबर देने वाली बातें हैं, यदि आप इसको भूल जाएंगे तो होगी आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यदि आगे देखा जाए क्या, ए में सिग्नल है, बी में नहीं, क्या ए में सिग्नल है लेकिन बी में नहीं है। देखिए ए में सिग्नल है बी में नहीं है, तो इसका प्रोसेस ये बनेगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस ये देखिए, इसमें जो बातें ये होगी इस प्रकार की होंगी, ये ए हो गया ये बी, इसमें क्या बताया जा रहा है, ए में सिग्नल है बी में नहीं। जब ए में है तो इस पर क्या कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा, और बी में नहीं है तो क्या कार्य करेगा, 0। जब ये जोड़कर ये भी जुड़ा था, ये प्रोसेस जुड़ा तो ये आगे गया, क्या आया, 0 प्राप्त हुआ। जब 1 और 0 जुड़ करके आउटपुट में जाएंगे तो वहाँ क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्या। इसको अभी हम टेबल द्वारा समझाते हैं, इतनी बात क्लियर। तो हम लोग और आगे चलते हैं, देखिए इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखिए जैसे कि ये चारों पॉइंट को यदि आप अपने मस्तिष्क में बैठा लिए तो आपका नंबर बहुत एग्जैक्ट मिलेगा। दूसरी पॉइंट, यदि तीसरी पॉइंट पर हम लोग फोकस करें तो तीसरी पॉइंट पर ये कहेगा बी में सिग्नल है ए में, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन ए में नहीं है, क्या ए में नहीं है। ये आपका क्लास थोड़ा लंबी दिनों तक चलेगा, बी में सिग्नल है लेकिन ए में नहीं है। तो इसका जो फिगर बनेगा मित्रों, कुछ इस आकार का यही बनेगा, सेम टू सेम यही फिगर रहेगा, बस इसमें आउटपुट और इनपुट में थोड़ा डिफरेंट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा।
ये ए है, ये क्या है बी, और ये वाई है। तो यदि हम देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है, बी में सिग्नल है, यानी कि जब बी में है तो इस पर क्या कार्य करेगा, एक कार्य करेगा, और ए में नहीं है तो वहाँ क्या कार्य करेगा, एक। तो अभी मैंने क्या एक और जीरो जोड़ा तो वो आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। अब यही जब जीरो और एक को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा मेरा, हमारा जीरो नहीं प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। किस लिए, जब हम एक और जीरो को जोड़ेंगे क्या प्राप्त हुआ, एक। तो उसी प्रकार जीरो और एक को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आउटपुट और इनपुट। तो ये जानते हैं, ये आपको जो बच्चा मन लगा करके यदि मेरी क्लास देख रहा है उसकी जो एनटीपीसी होती है वो सब वैकेंसी एकदम डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी। ये बेसिकल जो इलेक्ट्रॉनिक होता है मटेरियल, जैसे कि आप लोग फिटर से जो आईटीआई करते हैं, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन में ये अधिकतम ज़्यादा पूछा जाता है, अधिकतर ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो एमएससी कर रहा है, एमएससी में ये ना हो तो कोई बात ही नहीं, इसलिए एमएससी में पूर्णता यही भरे है, किसमें, फिजिक्स में। तो हम लोग आगे चलते हैं, चौथी पॉइंट यदि देखा जाए मित्रों, तो चौथी पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ अभी ए में बी में था, ए में नहीं था, यहाँ ए में था बी में नहीं था, यहाँ दोनों में नहीं सिग्नल था, तो यहाँ क्या बन सकता है, ए तथा बी दोनों में सिग्नल हैं, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो यहाँ जो संरचना बनेगी मित्रों, तो सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बस हो गया और कुछ नहीं। ये वाई है, ये ए है, ये क्या है बी है। जब इसमें कह रहा है दोनों में सिग्नल है, यानी कि इसमें भी वन रहेगा और इसमें भी वन रहेगा, तो यहाँ क्या प्रोसेस कार्य करेगा, जब ये इनपुट से आउटपुट निकलेगा तो इसमें दो बिंदु कार्य करेंगे, क्या, एक जीरो कार्य करेगा, एक एक कार्य करेगा। ये हम बताते हैं, एक कप कंडीशन, किस कंडीशन पर कार्य करेगा ये भी बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जीरो ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि यदि देखा जाए चार बिंदु मेरा निर्धारित हो गया, तो हम ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी बनाया जाए, सत्यता सारणी। तो इसमें क्या है मित्रों, ये बहुत लॉजिक सी बात है, बस हो गया, ए क्या, ए बी और वाई जो प्राप्त होगा ये ए प्लस बी प्राप्त होगा, इसको इन दोनों को हम निवेशी धाराएं बोलेंगे, क्या, निवेशी, और उसको क्या कहेंगे, निर्गत। तो आप लोग ये सस्पेंस ना रहिएगा, जिसमें वाई रहेगा वो क्या रहेगा, निवेशी रहेगा, सॉरी निर्गत रहेगा, जिसमें ए और बी रहेगा उसमें क्या रहेगा, निवेशी रहेगा। तो इसमें चार पॉइंट लिखे हैं, तो चार डिब्बे का बनना होना चाहिए, एक दो तीन, एक ये क्या हो जाएगा, चार। तो इसमें बहुत से नॉर्मल कहानी है, आप सुनिएगा, लेकिन सस्पेंसिव वाइज तो बहुत होते हैं ये बाइन नंबर के अंतर्गत जो गेट आते हैं। तो यदि देखा जाए मित्रों, पहली पॉइंट यदि देखा जाए, ए में, ए तथा बी दोनों में सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल नहीं है तो क्या कार्य करेगा, देखिए यहाँ क्या कार्य करवाएं हम, जीरो कार्य करेगा। अगर हम जीरो जीरो का योग करेंगे क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना, जीरो आया, करेक्ट। और देखिए, जब दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, ए में सिग्नल है बी में नहीं, ए में सिग्नल है, ए में है, जब है तो उसमें एक कार्य करेगा, जिसमें नहीं है तो क्या कार्य करेगा, जीरो। तो इनका जब योग होगा तो क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा, क्लियर। और इसी के आगे देखिए, जब हम तीसरी पॉइंट देखें, तो इसमें बताया जा रहा है बी में सिग्नल है लेकिन ए में नहीं है, ए में नहीं है, बी में क्या है, है, तो इनको ऐड करेंगे क्या होगा, एक प्राप्त होगा, देखते रहिएगा। फिर अगर चौथी पॉइंट देखा जाए, तो ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो यानी कि ये एक और एक, तो जब वाई बराबर यदि हम रखेंगे ए प्लस बी, यही तो कंडीशन निकाल रहे हैं, तो एक का मान क्या होगा, एक प्लस एक, तो जब इनको जोड़ेंगे तो मेरा जीरो प्राप्त होगा या दस प्राप्त होगा, या क्या हम लिख सकते हैं, एक प्राप्त। अब पूछिए एक क्यों लिखते हैं,
किस लिए, ये क्या है, एक मेरा क्या है, जब आप बाइनरी संख्याओं का योग पढ़ेंगे तो वो क्या है, कैरी का कार्य करे, कैरी मतलब यानी कि हासिल का कार्य करेगा। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्या, जीरो या क्या, कैरी क्या, वन। इतनी बात क्लियर, कैरी क्या कार्य करेगा, एक कार्य करेगा, और यहाँ योग क्या कार्य करेगा, जीरो कार्य करेगा। जैसे कि ये जो फंडा होते हैं तो इसी में हासिल भी आ जाता है, लेकिन हासिल वाला जो प्रोसेस है मैं आने वाली क्लासों में क्या करूँगी समझाऊँगा, इसको छोड़िए आप। इतनी बात क्लियर। और जैसे कि आपसे पूछ लिया जब बुलियन व्यंजक का सूत्र क्या होता है या बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो अभी जैसे कि मैंने कुछ समय पहले इसी वीडियो में बताया क्या बुलियन व्यंजक और बुलियन सूत्र, तो उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ जो है क्या, बुलियन व्यंजक, क्या बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक जो होता है ये वाई पद वाला होता है, ये जो होता है इसी को हम कहते हैं क्या, बुलियन व्यंजक का सूत्र या बुलियन व्यंजक, ये क्या है बुलियन व्यंजक। और अगर आपसे सत्यता क्या हो जाए, सत्यता सारणी पूछे, सत्यता सारणी पूछे, तो सत्यता सारणी आपकी क्या होगी, ये होगी। और यदि ये पॉइंट, तो ये आपको पांच नंबर हम पूछेगा इंटर, पांच नंबर का आपका ये प्रश्न पूछेगा। तो ये जो प्रोसेस है आपको यदि एग्जैक्ट आपको क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे तक क्या करिए, एसएमएस करिए, जिससे कि हम उसको देख करके और समझे कि बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो इसके आगे जो कार्यविधि है या जो और आने वाले गेट हैं उन पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो मित्रों यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मित्रों।